स्वागत है आपका द डागर फैमिली में। और तो आज है 26 जनवरी। तो आज हम कर रहे हैं, एक तो कर रहे हैं हम क्विज कंपटीशन। मैं देखती हूँ मेरे बच्चों को कितना क्विज आती है, जिसमें हमें जीके। तो क्विज से हमें ये पता चल जाएगा कि बच्चों का जीके कितना स्ट्रांग है या किस चीज़ में वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे जिस भी चीज़ का एग्ज़ाम वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें जीके ही इंक्लूड होती हैं। तो आज 26 जनवरी पे हम जीके क्विज कंपटीशन कर रहे हैं। और सेकंड जो है, जो बच्चों का गेम है वो सस्पेंस है। वो आपको वीडियो अगर मैं पहले ही बता दूंगी तो आप मेरी पूरी वीडियो नहीं देखोगे, तो इसीलिए वो थोड़ा सा सस्पेंस है। तो वो आप पूरी वीडियो देखो और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि वो आपको कैसा लगा। और जो भी मैं जीके के क्विज क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी तो वो आप अपने बच्चों से या किसी से भी पूछ के ज़रूर देखें, क्योंकि वो बेसिक है। ऐसा कुछ उसमें हार्ड है नहीं कि उसके लिए कुछ डिग्री की ज़रूरत हो। तो आप प्लीज़ वो क्वेश्चंस ज़रूर देखें और कमेंट करके अगर आपको अच्छे लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी वीडियो। तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो अब मैं बच्चों को बुला लेती हूँ और करती हूँ अपनी क्विज को स्टार्ट। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि आज 26 जनवरी है तो मैंने देखिए आज वाइट कलर का सूट सलवार वेयर किया है, ये देखिए। और ठंड बहुत थी, मैंने जैकेट डाल ली है। ये देखिए मेरी झुमकी, आप लोगों को झुमकियाँ पसंद है? ये इंडियन कल्चर से ही हमारी झुमकियाँ आई हैं, आजकल के जो ये नए नए टॉप्स वगैरह हैं ये। तो मैंने देखिए थोड़ा सा हेयर एक्सटेंशन करके मैंने अपने हेयर को लुक दिया है। तो अब मेरा लुक कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज तुम्हें पता है ना तुम्हारा क्विज है, तो देखते हैं क्या करूँगी मैं। क्वेश्चन पूछूँगी और ये दोनों के, ये जो टेडी बियर है ना, ये सामने रखे हुए हैं इनके। और तुम्हें कैसे करना है इनको, ऐसे करना है नीचे जिसका मुँह नीचे गिरा हुआ होगा उसको मौका मिलेगा। और फिर तुम लोग लड़ना मत। और फिर ये मैंने इनके स्कोर का कार्ड बना दिया है, अब देखते हैं अब इनके मजाज कर रहे हो। वाह जी वाह। चलो जीके के क्विज का हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हु इज द फादर ऑफ नेशन? महात्मा गांधी। वेरी गुड। अरे आशीवन। ओके, Which is the biggest airport in India? इंदिरा गांधी। आशी को मौका मिलेगा, क्यों उसने दिया है ना, मैंने नहीं, क्योंकि उसने गिराया पर उसने आवाज। शिवाजी एयरपोर्ट इन मुंबई। गलत, इसको तो मौका नहीं मिलेगा, इसका तो गिर गया था। पर इसका आंसर ठीक था, पर इशू का आंसर ठीक है। मैंने तो गिराया था। हाँ, क्योंकि तू ऐसे नहीं बोलेगा, तू मैं बताऊंगी कौन विनर है। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द फादर ऑफ मैथ्स? इशू रामानुजन। नहीं, मैंने इंडिया नहीं कहा है। अच्छा, फादर ऑफ मैथ्स, जैसे फादर ऑफ फिजिक्स तुम लोग बताते हो, न्यूटन्स। फादर ऑफ द मैथ्स पाइथागोरस। नहीं, तेरे को कोई चांस नहीं है अब आशी। न्यूटन। फादर ऑफ मैथ्स, आप बताओ। दोनों को जवाब नहीं पता। आर्किमिडीज। आर्किमिडीज तो फिजिक्स का है। आर्किमिडीज इज द फादर ऑफ मैथ्स। आर्किमिडीज ओ दोबारा तो मैथ्स नहीं नहीं दिया है प्रेशर का। जितना कह रही हूँ उतना करो। हु इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ? मैंने गिराया था। आशी भीमराव अंबेडकर था यार। आशी ने गिराया। मैंने गिराया था। नहीं, आशी ने गिराया। तो किसी को पॉइंट नहीं दूंगी मैं इस चीज का, क्योंकि उसने शुरुआत में गलत आंसर। अरे मैं कंप्यूटर एरोप्लेन में, वो अलग अलग हो गया यार, कंप्यूटर और एरोप्लेन में कंफ्यूज हो गया भाई। ये देखो भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ इंडिया?
इशू आई है शाहरुख। तू बता। फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ इंडिया। अरे यार याद था। नहीं मून नहीं है, सॉरी गलत। आर्यभट्ट। अरे भूल गया। अरे तो गलती से नेचुरल बोल दिया था मैंने। तो फिर नंबर नहीं मिलेगा। मम्मी सच में नहीं नहीं नंबर नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। नंबर नहीं मिलेगा। तुम लोग इतनी जल्दी आंसर ये थोड़ी होता है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से सुनना। हु इज द चीफ ऑफ ऑल फोर्सेज ऑफ इंडिया। हु इज द चीफ ऑफ ऑल फोर्सेज इन इंडिया। नाम बताओ उसका। कौन चीफ है? नाम बताना। तीनों फोर्सेस। इंडियन एयरफोर्स, नेवी। नाम बताना है। एयरफोर्स। हु इज द चीफ? नेम द चीफ। चीफ बंदे का नाम बताना है। नहीं बता। और तुम दोनों को उसका नाम पता है? तुम जाओ फिर तो देखन दो। सोचन दो फिर तो वो तुम दोनों को उसका नाम बहुत अच्छी तरीके से पता है। अरे क्या था उसका नाम? क्या था? आयुष्मान। अरे जो उधर गया था। नहीं 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 नहीं। तुम लोगों को वाकई में तुम लोग ये कहोगे आ ये था। नहीं पता। क्या बताओ? प्रेसिडेंट का नेम क्या है? रामनाथ कोविंद। हमें को लग ही रहा था। द प्रेसिडेंट इज द चीफ ऑफ ऑल फोर्सेस इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 8 वेयर इज जंतर मंतर इज सिचुएटेड इन इंडिया। आशी। मैं नहीं करा था यार, चीटिंग करते हो। आशी आशी तू बता। लियोनार्डो डी विंसी। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने दिया था पहले। इन विच स्टेट हरिद्वार इज सिचुएटेड। इशू उत्तर प्रदेश। आशी बता दो। दिया मैं दिल्ली मारती। हरिद्वार मतलब दोनों का गलत है भाई। उत्तराखंड। मैं उत्तर। दोनों का गलत है उत्तराखंड। यही देखने के लिए मैंने हरिद्वार बोला था। हरिद्वार। अच्छा विच रिवर इज फ्लोन इन न्यू दिल्ली। इशू यमुना। अच्छा कितने क्वेश्चन हो गए? अगर हम किसी चीज का पता कर रहे हैं कि वो एसिड है बेस है तो किस चीज एक्सपेरिमेंट में किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है? लिटमस पेपर की। लिटमस पेपर। इंडिकेटर की जरूरत पड़ती है तो इंडिकेटर लिटमस पेपर ही तो है। तो नहीं 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 बेबू है लिटमस पेपर। नहीं 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 गलत गलत। अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 नेम द वैक्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेट्रोलियम। आशी तोड़ेगी क्या उसको? आशी नेम द वैक्स। नहीं पहले वैसलीन। वैक्स। हाँ वैक्स। उस पर्टिकुलर वैक्स को बोलते क्या है? पैराफिन वैक्स। मेरे को पता थी मेरे को बोलना तो देते नहीं हो। क्यों तुझे दोबारा मौका मिला था तूने बोला ही नहीं। पता थी भाई। अच्छा यार क्वेश्चन नंबर 14 C2H5OH मुझे क्या याद है? क्या नाम है? क्या बोल C2H5OH। आशी इथेनॉल। इशू इथेनॉल है। हैं मीथेनॉल। इथाइल अल्कोहल। एलपीजी में कौन सी गैस होती है अंदर? पेट्रोलियम। मीथेन। ये क्या एलपीजी तो होती है? नहीं नहीं आंसर मीथेन था। जा यार चीटिंग कर। नेम द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। इशू ना रिकेट्स। इशू अच्छा व्हाट इज ड्राई आइस?
आशी मैंने बोल दिया एल्यूमिनियम फिर अब क्या पूछा अब तो अब तेरे को सब कुछ आता है और ऑफ एल्यूमिनियम What is the name of ore of aluminium? मुझे क्या पता? नहीं पता मेरे को. Bauxite. हाँ bauxite यार कल नहीं पढ़ा है. पागल है तू मेरे से पूछ रही है. What is the common name of sodium bicarbonate? इश्यू बताएगा अब. Sodium. What is the common name of sodium bicarbonate? Baking powder. Baking powder. सोडा. दो बार दूसरे गलत आंसर मान जाता है अरे सोडा भूल गया था मैं चार इसका गलत मान था मेरे भी अरे सोडा भूल गया था यार मैं मम्मी गलत माना था हमने मेरा भी मान ले जा काम काम जीत रही है रो रही है व्हिच मेटल इज नोन एज द किंग ऑफ मेटल्स लो सोडियम आयरन गोल्ड अरे मैं क्या पागल था तुम पता था अब देखो किसके कितने स्कोर है दिखाओ ओवर हां 20 क्वेश्चंस हो गए तीन दो तीन चार पाँच छः काम काम है मतलब देखो कितने जीरोज हैं भाई इनके 20 में से इसके 6 हैं इसके 3 मतलब टोटल इन दोनों को मिला के 9 के ही आंसर आते थे 11 के आंसर कहाँ गए क्योंकि वो आप दूसरी बार तो करेक्ट नहीं मान रहे थे इस वजह से अच्छा हरिद्वार तुम लोगों को पता नहीं है हरिद्वार कहाँ है इंडिया में है वाह जी वाह चार्ल्स ने बताया वो माना नहीं बेकिंग पाउडर और सोडा होता है वो माना नहीं तो तूने सबसे पहले इतनी कॉन्फिडेंस से बोला राइट ब्रदर्स मेरा भी नहीं मान था एक मुझे याद नहीं आ रहा तू तू एक जोड़ ले मैं जोड़ दे तीन मेरा एक पूछ ले जा तू जा दो जोड़ने दोस्तों इनकी क्विज हो चुकी है और अब इनका एक गेम हो रहा है तो अब देखते हैं गेम में कौन जीतता है क्योंकि क्विज में तो आशीष जीती है अब देखते हैं गेम में कौन जीतता है और फिर बाद में वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक मेरी बहन की सोसाइटी में 26 जनवरी की जो फ्लैग होस्टिंग वगैरह हुई है वो वीडियो भी शेयर करूँगी तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिए तो मैं इनका गेम करवाती हूँ अब दोस्तों मैंने टेबल पे ये चीज़ें रख दी हैं ये देखिए इनकी खाने पीने की चीज़ें हैं और ये बच्चों को खड़ा कर दिया है ये लाइन इससे आगे नहीं आना है और ये रिंग है ये रिंग जिस चीज़ पे डल गई वो चीज़ हो जाएगी इनकी तो आप सबसे पहले बारी विनर ऑफ द जीके क्विज ओके नहीं अब इशू की बारी आउट भाई चार चार मिलेंगे रुक जाओ एक एक हो चुकी है नहीं नहीं टोटल 5 ही मिलेंगी नहीं नहीं बाकी जो बच की चीज है वो मेरी गलती से चला गया हाँ हाँ तेरा कौन सा डल गया था हाँ हाँ ये देखो भाई वाह जी वाह लिटिल आर जीत गया इशू मेरी बारी है पे वाह जी वाह एक आशी भी टकाटक जीत गई आउट आउट तीन हो गए दो हो गए नहीं मानूंगी भाई मैंने पहले ही कहा था आशी जीत गई 70% रिंग अगर होगी ऊपर
शाबाश। आशी क्या लेना है इनमें से? आशी का फेवरेट है ये, इसीलिए मैंने दूर रख रखा है, सबसे दूर। आ इसको आगे कर दो। चलो भाई इसको आगे कर देती हूँ मैं, ये लो और ये लो। अब क्या विक्स लेगी? आ पंजाबी तड़का इशू जीत गया भाई, मेरा पंजाबी तड़का। अब रह गई है आलू भुजिया, मेलोडी और विक्स। विक्स आ रहे, इसको विक्स ही मिलेगी लास्ट में। इसको कुछ ना मिले लास्ट में, ये इसके तड़के के चक्कर में है ना। ओ फिर गिर गई, इसको बीच में डाल दो। हाँ दो विक्स आ गई, दो विक्स आ गई। आलू भुजिया भी इशू जीत गया। आलू भुजिया मेरी, पंजाबी तड़का भी मेरा। अब मेलोडी तो ले ले आशी। नहीं 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 आशी को दे दे, आशी आशी को दे दे। अब इशू लेगा विक्स। एक तो आई है, वो मेरी सुन। आशी की बारी। डूम मेरा कहीं पे जा रहे हैं। मेरी बारी, मैं गिर बिचार सू। अब मैं तुम लोगों की अगर इन चीजों में डाल दूंगा तो मेरा हो जाएंगी ये सारी चीज। भाई ये भी जिद है। शू अब डलेगी, ये भी रुक अब डलेगी। अरे यार रुकती नहीं है तो, वही तो सब बीच में कर दो। हाँ पीछे कर, दो मिनट लगी तो मेरे को लगा मेरे को विक्स मिलेगी। इसको अब विक्स मिली है तीनों। आपकी तो पार्टी हो गई। शाबाश, तो इशू रे देखो भाई विक्स मेरी है पांच में। इशू इशू जितना जीके को इसमें रो रहा था ना, उतनी ज्यादा चीजें इसने इसमें कर ली है। आप बताना कौन जीता जीके को इसमें, मैंने दबाया था सारा। ये देख लो इसमें आप पंजाबी लड़ी का मेलोडी आलू भुजिया टेढ़े मेढ़े टेढ़े मेढ़े और आशी के आशी की टकाटक सबसे बड़ी चीज विक्स। विक्स विक्स आशी अब ये सारी विक्स खानी पड़ेगी। अभी थोड़ा खाऊंगी, खा लूंगी। आज हमारे सोसाइटी में 26 जनवरी का फंक्शन है। वहाँ गार्ड्स परेड करवा रहे हैं, गार्ड्स की जल्दी दिखाओ। देखिए अभी वहाँ परेड हो रही है, मैं पूरी सोसाइटी का चक्कर भी दिखवाती हूँ इनका। यहाँ पे परेड हो रही है, तो यहाँ से आएगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे पूरा मंच बन रखा है सोसाइटी में और यहाँ पे पूरा स्टेज, और ये है हमारा झंडा। और यहाँ पे सारी चेयर्स लगाइए, और ये हमारा राष्ट्रीय झंडा। जब भी गिरे तो हमें माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय झंडा है कभी भी झुकने से
पाप चढ़ता है, ठीक है। और यहाँ पे डांस करने के लिए लगा रखा है मंच, जोड़ सके तो आइए अभी वो बच्चे स्टार्ट। जोरदार तालियां हमारे नन्हे मुन्ने कलाकार फूल जैसे इस बगिया की प्यारे फूल है, देश की देश का भविष्य है। जोरदार तालियों से स्वागत है मायरा का। यहाँ कर लेना, चले जाना कोई बात नहीं, कर लेना। बुरी नजर ना हम पे डालो, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, जाने कितना जोर निकालो।
तरीके से हमारे गौरवशाली इतिहास को कलंकित किया गया, किस तरीके से बौद्धिक पतन हमारे देश का धीरे धीरे किया गया, एक छंद में मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। अगर मेरी बात आपको सही लगे तो मैं आपका समर्थन मांगता हूँ कि मुगलों की वीरता का करते रहे बखान, शिवाजी के शौर्य की कहानियां कहाँ गई, कि मुगलों की वीरता का अकबर को महान बताया जाता है, जबकि वास्तविकता यह है कि अकबर ने कभी राणा के समक्ष खड़े होने का प्रयत्न भी नहीं किया। उसने जब भी लड़ने के लिए भेजा तो किसी ना किसी अपने सेनापति को भेजा, राणा का नाम सुनते ही वो मूत्र विसर्जन कर देता था। वास्तविकता यह है कि मुगलों की वीरता का करते रहे बखान, शिवाजी के शौर्य की कहानियां कहां गई, और मंगल सुभाष चंद्रशेखर आजाद के जो खून में थी खून की रवानियां कहां गई, मंगल सुभाष चंद्रशेखर आजाद के जो खून में थी खून की रवानियां कहां गई, और चरखा बताते रहे देश का प्रतीक सदा, कि चरखा बताते रहे देश का प्रतीक सदा, राणा जैसे वीरों की निशानियां कहां गई, और बूढ़ी हड्डियों का गुणगान हुआ पुस्तकों में, फांसियों पे झूलती जवानियां कहां गई। बचाया प्राण ब्राह्मण समाज के लोग, पीछे मेरे तीनों ब्राह्मण समाज के बैठे हुए हैं, उन्हें ये पंक्तियां सौंपता हूँ कि ज्ञान और मान को बचाया प्राण देकर भी, डर से ना कटी थी वो चोटियां प्रणम में है, और राणा ने जो खाई स्वाभिमान से स्वाधीनता की, जंगलों की घास वाली रोटियां प्रणम में है, राणा ने जो खाई स्वाभिमान से स्वाधीनता की, जंगलों की घास वाली रोटियां प्रणम में है, और राष्ट्र की सुरक्षा हेतु बोटी बोटी देह हुई, कि बोटी बोटी देह हुई राष्ट्र की सुरक्षा हेतु, शूर वीरों की वो सभी बोटियां प्रणम में है, और भिन्न भिन्न जातियां हो भिन्न हो भले ही वर्ण, बलिदानियों की सभी कोटियां प्रणम में है, बलिदानियों की सभी कोटियां प्रणम में। और चार पंक्ति दो और मान गुलों से महकता चमन मांगते हैं, गुलों से महकता चमन मांगते हैं, दो रोटी मकान वसन मांगते हैं, नहीं मांगते हैं ये मंदिर ये मस्जिद, नहीं मांगते हैं ये मंदिर ये मस्जिद, कि हम तो वतन में अमन मांगते हैं।
हमारे वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपको थैंक यू। और ये देखो ये मेरे बच्चे काफ़ी चीज़ें आज जीत चुके हैं तो काफ़ी हैप्पी हैं। तो हमारी वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं, हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा आपको। और अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। देखिए दोस्तों आज हम तीनों ने व्हाइट एंड रेड, इसमें भी व्हाइट एंड रेड, इसमें भी व्हाइट एंड रेड और इसमें भी व्हाइट एंड रेड, ये तो दोनों भाई बहन बस ग्रीन की वैरायटी पहन रखी है। देखो हमारे दोनों बच्चे, तो आप करते हैं हाइट एंड इसको हाइट पे वो है। हाँ देखो मम्मी से उठाती है, थोड़ी क्यों उठा रखी है बंदर, तो तो हमारे वीडियो को जरूर देखें, लाइक जरूर करें। और ये देखो अब देखो हाइट अब ये हो गई लंबी। गुड नाइट टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, बाय, विश यू अ हैप्पी 26 जनवरी, द रिपब्लिक डे, 73rd रिपब्लिक डे। ये क्वेश्चन मैंने याद गया था, क्या पूछोगे कौन सा?